मुंबई से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां आरोपी ने कथित तौर पर बच्ची की मां से एक तरफा प्यार के कारण बदला लेने के लिए बच्ची को उसके घर से अपहरण कर लिया। उस व्यक्ति की पहचान आरोपी के साथ एक वीडियो कॉल पर स्क्रीनशॉट के रूप में लिए गए एक मिनट के विवरण के माध्यम से की गई, जिसके बाद पुलिस ने उसे चलती ट्रेन में पकड़ लिया। घटना की जानकारी देते हुए डीसीपी अकबर पठान ने बताया कि बुधवार सुबह 2:30 बजे एक 28 वर्षीय महिला ने नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत दर्ज कराई। उसने आरोप लगाया कि रोतिन घोष 35 वर्षीय नामक उसका परिचित व्यक्ति उसकी सहमति के बिना उसकी बेटी को ले गया। महिला के बयान के अनुसार घोष उससे एक तरफा प्यार करता था और उस पर अपने साथ रहने के लिए दबाव डाल रहा था। इस प्रस्ताव को उसने बार बार अस्वीकार किया था। जांच के दौरान पुलिस ने शिकायतकर्ता महिला से आरोपी को वीडियो कॉल करने के लिए कहा। इस वीडियो कॉल से पता चला कि बच्ची को आरोपी ने चादर में लपेटा था। पुलिस ने इस वीडियो से एक स्क्रीनशॉट लिया, जिसमें सीट की एक छवि भी शामिल थी। तकनीकी जांच से पुलिस को पता चला कि आरोपी शालिग्राम एक्सप्रेस से पश्चिम बंगाल जा रहा है। एक किडनैपिंग केस सॉल्व किया है, क्या था वो पूरा मामला? 5 सितंबर को नागपाड़ा पुलिस स्टेशन मुंबई में एक अपराध के बारे में इंफॉर्मेशन मिली थी, जिसमें महिला जिसकी उम्र 28 साल है उसने पुलिस स्टेशन में आके कंप्लेंट दी थी, जिसके तहत उसकी लड़की जो 5.5 साल उम्र की है, प्रथम कक्षा में पढ़ती है, उसको उसके जाने वाले व्यक्ति ने अपहरण किया है, किडनैप किया है, इस तरह की जानकारी दी। रात में करीब 2 बजे के करीब इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद तुरंत नागपाड़ की पुलिस इसमें सक्रिय हो गई। यहाँ के सीनियर पीआई ठाकुर डे नाइट में जो पीआई काम कर रहे थे, पीआई चौगुले और उसकी टीम ने तुरंत सतर्कता दिखाते हुए अलग अलग टीम को काम पे लगाया। उसमें कुछ टीम या टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करके एनालिसिस में आरोपी के बारे में उसके लोकेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही थी। शुरू में हमें पता चला कि यह आरोपी इगतपुरी में होने की शक्यता आशंका थी। इसके तहत हमने क्या डिस्टेंस का कैलकुलेट करते हुए ट्रेन से गया होगा जानते ये समझते हुए वहाँ के लोकल जीआरपी और लोकल पुलिस को लेके वहाँ पे जो अमृतसर और हावड़ा ट्रेन थी उनको सर्च करवाया, लेकिन आरोपी के साथ में अपहृत की गई या पीड़ित पानी का हमें मिली नहीं। और इन्वेस्टिगेशन करते हुए जो हमारे साइबर पुलिस की जो टीम काम कर रही थी उसमें जो 2 टीम काम कर रही थी उनको सीएसटी और एलटीटी रेलवे स्टेशन से कुछ जानकारी मिली, जिसके तहत एक ट्रेन शालीमार नाचती थी जो वेस्ट बंगाल जाती थी, जबकि आरोपी भी उसी एरिया का था, उसी जगह का था और उसका टाइम हमारे आरोपी के टाइम के साथ मेल खा रहा था, मिलाप कर रहा था। इसके तहत शालीमार एक्सप्रेस में होने की हमें काफ़ी सारे चांसेस उभर के आए, उसके तहत हमें तुरंत ट्रेन का लोकेशन लेते हुए हमें अगले स्टेशन में 40 गाँव में था वहाँ पे ट्रेन को रुका, वहाँ पे हमने जीआरपी और लोकल पुलिस को साथ में लेते हुए पूरा सर्च किया, लेकिन पूरा सर्च करने के बाद में भी हमें अपहृत लड़की बालिका और उसके साथ में आरोपी में नहीं मिले। इसमें हमने रात में ही और इन्वेस्टिगेशन किया, टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद में कन्फर्म हुआ कि ये बोधगढ़ के यहाँ पे और उसी वक्त वहाँ वहीं से वो ट्रेन भी गुजर रही थी। हमें निश्चित रूप से हमें ये कन्फर्म हुआ कि ट्रेन भी है, जिसके तहत हमने आगे जो नेक्स्ट स्टेशन था शेगांव वहाँ के जीआरपी लोकल पुलिस को तुरंत संपर्क किया, अपराध की गंभीरता समझाते हुए उनको डायरेक्शन दिए। उसमें उनको ये भी बात बताया कि यह आरोपी जो छिपने वाली ट्रेन की जगह है जैसे टॉयलेट है या अन्य जगह पर हो सकता है, और उनके फोटो शेयर किए, साथ में एक चादर थी जो हो सकती है आप उनके सर्च में काम आए, उनको शेयर कर दी। उसके बाद जब पूरी ट्रेन सर्च की गई शेगांव में तो वहाँ पे वो आरोपी उस बालिका के साथ में अपहरण की गई, हमें मिला जी आर पी ने उनको अपने हिरासत में लिया। और इस तरह से करीब 8:30 से 9 बजे करीब हमने जो अपहरित बालिका को अपहरित करके कोलकाता की ओर लेके जा रहा था आरोपी के साथ में उनको अपने हिरासत में लेके सॉल्व कर दिया।